जयकारे वीर बजरंगे, जयकारे वीर बजरंगे। सानू जवाना दी लोड़ है, पता नहीं क्यों साढ़े हिंदू डरते ने, समझ तो बाहर है। जो मैं तो एक गल कहता, अभी जो साढ़े सत्कार योग ने अपना रजेश खेर जी, उन्होंने जो कहता वो तो अमल करना चाहिए। जो एक ने कहता ठीक है, इस करके असी पिछे हाँ, पिछोकड़ है, क्योंकि प्रशासन नू तां पंजाब सरकार नू प्लस सेंटर सरकार नू साडे माननीय सत्कार योग मोदी साहब नू भी पता है, साढ़े हिंदू लोग एक प्लेटफॉर्म के इकट्ठे नहीं हो सकते, कदे नहीं हो सकते। जोर ला लो जिन्ना मर्जी तुसीं, ना ही होणगे। ये बेअबदियां अज दी नहीं हो रही, त्रेता युग दी होंदी आ रही ने। तुसीं सजा अज तक किसी नूं नहीं मिली। सनातन धर्म सानूं माफ करने दी आदत है, ये आदत है साडी, ठीक है ना, ये आदत दा गलत फायदा। शंकरानंद गिरी, श्री काली माता मंदिर। ते आज जी पूरे घटना हुई है काली माता मंदिर, इस बार की कहना चाहूँगा? गल है जी, असीं अपने ऑफिस च बैठे सी, सानूं एक फोन आया कि अज फिर तो पटियाला दे इतिहासक श्री काली माता मंदिर च किसी ने बेअदबी करन दी कोशिश की, जिसनों के प्रशासन ने मुस्तैदी नाल मौके ते रोक लिया। उहदे दौरान उस बंदे ने माता दे भवन च जिहड़ी गोलक लगी हुई है वड्डी, उस ते पैर रख के चढ़ चुकिया सी, लेकिन पंडित जी जिहड़े ड्यूटी ते मौजूद सी और सिक्योरिटी वाले सी, उन्होंने उसनों पकड़ के नाल दी नाल प्रशासन ने उसनों काबू कर लिया। तो प्रशासन की मुस्तैदी कारण ये हादसा होने तो बच गया। सुरक्षा प्रबंधा बारे की कहना चाहो? सुरक्षा प्रबंधा कारण ही शायद अज यह अनहोनी घटना होने तो बच गई। हूँ बाकी वह पुलिस कस्टडी च है, उन्होंने कहा जा रहा भी वह CIA लैके गए ने, मनदीप सिंह उसका नाम है, तो मैडिकल कॉलेज का रहने वाला है। नहीं, SSP साहब खुद आए ने, उरे SP साहब आए ने, दोनों तीनों DSP भी उरे ही सीगे, उन्होंने सानू भरोसा दवाया भी इस बार अजिहा कुछ नहीं होएगा, ये गल की पूरी तफ्तीश की जाएगी भी उस इस दे पिछे केड़ी ताकत काम कर रही ने, क्यों वह बंदे ने यह अटैम्प्ट किया। हिंदू समाज को की संदेश देना चाहते? हिंदू समाज में तो जी यही संदेश है, जागृत हो, अपने धर्म स्थानों की बेअदबी दिनों दिन बढ़ रही है। एक हफ्ते के अंदर चौथी घटना है, ये क्यों हो रहा है, ये कौन करवा रहा है, इसकी तह तक जाना प्रशासन का काम है, ये जांच का विषय है। कोशिश यही है जी भी सारे धार्मिक संगठन ने जिहड़े वह एक झंडे के थले काम कर। कल का की प्रोग्राम? कल असी सवेरे सारे हिंदुओं नूं इत्थे 10 बजे श्री काली माता मंदिर इकट्ठे होने लई बुलाया है, बाकी अगली रणनीति असी सवेरे तय करांगे। मेरे रेंदे नहीं होना, मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराँगा, जे पिछों भी
किसी बंद ने इनू बरगला के अगे भेजा असि जड़ तक जावे मसले की मेरी अभी इन्ने वे आस्था के धर्म के केंद्र तो वाला साढ़े लिए कुछ नहीं असी ए पूरी डूंगाई पड़ताल करके पिछों केड़ी कोई गल हैगी कले कले परिवार वाले बुला के असं प्रॉपर फेयर इनवैसटीगेशन करके इस मामले की तह तक जावे असं तो आश्वासन लुधियाने असी मेरी अपने जिले की जिम्मेवारी मेरे रेंदे इस जिले च असी कोई भी शरारत होगी नाले तो रोका नाले प्रॉपर सख्त तो सख्त कार्रवाई अज एक बड़ी मंदभागी जिहड़ी दिल नूं दुखी करन वाली घटना है वो काली माता मंदिर च हो चली सी पर पुलिस प्रशासन के टाइमली इंटरवेंशन नाल ते प्रॉम्प्ट रिस्पोंस नाल उस घटना नूं अंजाम देण तों रोकिया जा सकिया। मनदीप नाम का एक व्यक्ति जिहड़ा कि मैडिकल कॉलेज पटियाला दे बैक साइड का रहण वाला है वह इत्थे मत्था टेकन आया सी। मत्था टेकन तों बाद उहने मूर्ति दे माता दी मूर्ति दे कोले जाण दी कोशिश कीती ते इमीडिएटली उहनूं मौके तों ही एस पी सिटी डी एस पी सिटी वन एस एच ओ सबान सारे इतने पहुंचे मैं आप इतने पहुंचे हाँ तो उस इंसान को मौके तो ही असी राउंडअप कर लिया है। असी बनती धरावान के तहत मुकदमा दर्ज करके ते बड़ी डूंगाई नाल बड़ी संजीदगी नाल बड़ी बरीकी नाल इस पूरे मामले की जांच करांगे एंड असी इस मामले की तह तक जावांगे एंड असी इंश्योर करांगे कि सख्त तो सख्त कार्रवाई जिहड़ी आ ये कर पीर बजरंग अज जी घटना हुई है काली माता मंदिर इस बारे की कहना चाहते हो। देखो अज बहुत साल पहला एक मंदभागी घटना काली माता मंदिर च घटी सी जिथे कि मूर्ति की बेअदबी हुई सी अज फिर उस तरह की सेम उस तरह की घटना जी काली माता मंदिर में घटी है लेकिन पुलिस ने समय रेंदे हुए मुस्तैद रेंदे हुए वो बंदे नूं तुरंत गिरफ्तार कर लिया। असी भी मौके पर पहुँच गए थे तो डी एस पी साहब ने खुद उन्होंने अरैसट च लिया कस्टडी च लिया वो इस टाइम वो सी आई ए है और जो नाम है मनदीप सिंह दसया जा रहा है और उसने नीले रंग की जीन पाई है और नीले रंग की ही जैकट पाई हुई है जिस बंदे ने यह सारी घटना अंजाम दिता कि जगह का कितने रहने वाले पता कुछ ये अपना मेडिकल कॉलेज के लागे का दस रहे हैं जिस तरह प्रशासन सब दस के गया मीटिंग जाके डी एस पी साहब आके दस गए मेडिकल कॉलेज के नेड़े जाके दे रहने वाला सीगा है तो उस बंदे ने घटना जा रहे बाकी जांच चल रही है उन्होंने इंटरोगेशन चल रही है पता लगेगा कि क्या उसका मनसब की मंतव लेके आया है। असी तो मन करिए पंजाब सरकार को इस तरह की घटनावां पहला नाभे से हुई है लुधियाने हो चुकी है अज पटियाले हुई है इस तरह की घटना के पिछे एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत काम किया जा रहा है। असी इस घटना जी है बहुत बरीकी जांच करके इन घटनाओं के पिछे कौन है उन्होंने पता लगा के उन्होंने की गिरफ्तारी की जी है मांग असी अज इस मीटिंग के राही की बिल्कुल बिल्कुल पंजाब का जिन्होंने शांत माहौल अच्छा नहीं लग रहा चाहे वह खालिस्तानी ताकत हैं चाहे वह देश विरोधी ताकत हैं वो चाहते हैं पंजाब के माहौल फिर तो खराब हो गए लेकिन असी कल जिहड़ा हैगा इस मीटिंग दे विच सारे भाइयों ने आपस में हिंदू संगठन ने बैठ के फैसला किया कि कल नूं एक संकेतिक धरना काली माता मंदिर में 10 बजे रखा जाऊगा कि शांतिपूर्वक धरना होगा जिहदे विच सरकार नूं असी मैसेज देवांगे कि अगे नूं अगर इस तरह की घटना होंदी है तो साडा सनातन इस तरह की घटना नूं बर्दाश्त नहीं करेगा तो सारे ने मनां विच रोस सी अज बंद करन नूं कहिंदे सी लेकिन उसदे वास्ते सहमति नहीं बन पाई सवेरे 10 बजे होर संगठन जिहड़े आणगे फिर बैठांगे फिर इस विषय ते आपां सहमति बनावांगे। कोई शहर चों प्रोटेस्ट मार्च कुछ नहीं सवेरे कल पहला 10 बजे काली माता मंदिर इकट्ठे होवांगे जिस तरह सारे संगठनों की रूपरेखा बनेगी उसके उपर अगे फिर काम सुरक्षा प्रबंधा बारे तो यही कहना चाहवागे कि दस्या केहर जी ने भी दस्या कि जिहड़ा भगत दे अंदर मन च पता नहीं होंदा की है की नहीं क्योंकि सुरक्षा प्रबंध पूरे ने कोई तलाशी लई आती है या कुछ है भगतों की भी आस्था होंगे बाकी सुरक्षा प्रबंध तो डी एस पी साहब आके दस के गए हैं कि होर भी पूरा अंदर मंदिर जी हुण 4 मुलाजम होर बिठाणगे वो करनगे पूरी सुरक्षा का होर करनगे ते किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हो असीं तां इंसाफ चाहते हैं तो अगे नूं इह मुड़ के दुबारा घटना ना हो बेअदबी ना हो जी यही चाहते हैं की कहना चाहिए ये उपर तो यही कहना चाहवागे कि प्रशासन को देखना चाहिए इहदा पूरा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए देखना चाहिए कि यह पता करना चाहिए कि
मंदबुद्ध हैगा सीगा, मेंटल हैगा सीगा, नहीं हैगा सीगा, जिवें पिछले बारी मेंटल करार कर दिता गया सीगा, मगर हुण सानू एस एस पी साहब कह के गए हैं कि इहो जिहा कुछ नहीं होगा, उहदी पूरी जाँच होगी ते जाँच तो बाद सानू दसणगे। ते अगली कार्रवाई की है? अगली कार्रवाई यही है कि सवेरे 10 बजे सारे हिंदू संगठनों नू बुलाया ते असीं रोस प्रदर्शन रखिया ते इस तों बाद फिर दसांगे, सवेरे 10 बजे सारे इकट्ठे होवांगे, उस तों बाद जो भी कार्रवाई होगी तो करांगे। जय श्री राम। अज की जी माता जी के मंदिर बेअदबी की घटना अंजाम देने की कोशिश की गई है, बड़ी निंदनीय घटना है। प्रशासन तो असं मंग करते हैं कि यदि पूरी की पूरी जांच पड़ताल की जाए, ये पिछे किहड़े लोग ने, किहड़े अंसर ने, क्योंकि लगातार माता के मंदिर से आघात करना बल्कि बेअदबी की ये बड़ी मंदभागी घटना है। असं ये कदे भी बर्दाश्त नहीं करांगे कि साडे जिहड़ा सिद्ध पीठ है पटियाले इत्थे बेअदबी की जाए शरारती अंसर वालों, ये पिछे जिहड़ियां भी ताकतां ने उन्हां नूं सामने लिया जाए, मंदिर कमेटी नूं पता लगे भी ये दोषी ने, बाकी प्रशासन तों सहमत आ, प्रशासन ने बड़ी मुमकिन कोशिश करके इहनूं रोकिया ते अगे नूं भी वह अपना उरे पूरा सिक्योरिटी का प्रबंध कर रहे हैं। शहर के हिंदू समाज में साडा यही संदेश है कि जिहड़े भी शांति बनाए रखो, प्रशासन नूं थोड़ा टाइम मंगिया साडे तों, उन्हां दी कार्रवाई की असीं वेट कर रहे हैं, वो जल्द तो जल्द जांच कर रहे हैं, सवेर तक वो कुछ क्लीयर करेंगे, तद तक असीं अपनी एक मीटिंग सवेरे बुलाई है, जिवें कि सुरक्षा समिति के प्रधान साडे रजेश केर जी ने कहा भी सवेरे 10 बजे का टाइम है, उत्थे सारे हिंदू संगठन पहुँचणगे, उस तो बाद निर्णय लिया जाएगा कि अगे इहदी रणनीति है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਰਜੇਸ਼ ਕੇਰ ਸੀ, ਹੋਸ਼ਲ ਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕੈਲਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਭ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਬੇਅਮਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਦਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਲਖਜਾਨਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਸਟੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਲੋ ਪੱਟੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ 4-5 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪਲੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬੇਅਮਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟਿੱਪਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤਾ, ਅਭੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਜੇਸ਼ ਕੇਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਯਾਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਹਾਂ, 4 ਤੋਂ 40 ਬੰਦੇ, 40 ਤੋਂ 400 ਬੰਦਾ, 400 ਤੋਂ 5000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੇਅਬਦੀ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈਏ, ਨੱਥ ਪਾਈਏ। ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੇਅਬਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ। ਜੈ ਕਰਾਏ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ, ਜੈ ਕਰਾਏ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ।